अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला ठीक ही रखे। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज मैं और रंजल दोपहर को बाहर गए हैं और क्या कहते हैं, इतनी शदीद गर्मी है, यकीन करें कि सर में पेन होने लग गया बहुत ज़्यादा। शायद बाहर ना लू चल रही है। और शाम को ये है कि इस्लामाबाद में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, दोपहर के टाइम बहुत गर्मी होती है। तो गर्मी में हमारी स्किन जो है वो भी बहुत ऑयली हो जाती है, और ऑयली स्किन के जो नुकसान है ना, उसमें जो है डस्ट भी बहुत जल्दी जाती है, ज़्यादा क्या कहते हैं, और वाइट हेड, ब्लैक हेड, एक्नी बहुत जल्दी बनती है। ठीक है, इसके लिए हमें अपनी स्किन को जो है रोज़ क्लिनजिंग करना बहुत ज़रूरी है। और क्या कहते हैं, महंगे महंगे क्लिनज़र तो हर कोई नहीं ख़रीद सकता, स्क्रब भी नहीं ख़रीद सकते हैं। और स्किन की सफाई के लिए बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं, हमें घर से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट हैं। और गर्मियों के लिहाज से एक फेस पैक है जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, बहुत अच्छा है और मैं गर्मियों में ख़ुद भी ये यूज़ करती हूँ। और क्या कहते हैं, ये आपकी स्किन को, जिनकी ऑयली स्किन है ना, उनके लिए बहुत बेस्ट है। और अगर आपके फेस पे कोई भी स्कार्स हैं, पिंपल के, एक्ने के, इससे बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक वो भी कम होते हैं। ठीक है, फेस वॉश भी बहुत अच्छे अच्छे हैं मार्केट में, लेकिन हर कोई फेस वॉश अफोर्ड नहीं कर सकता। आप यकीन करें, ये जो है ना, ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, आप इसको फेस वॉश के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लिनजिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्किन के लिए ये बहुत बेस्ट रहेगा। और इसको इस्तेमाल करने के बाद ये आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट अपने फेस पे अप्लाई करना है। बाद में इसको हल्के हाथों से रब करके, जैसे हम स्क्रब करते हैं ना, बहुत हल्के हाथों से रब करना है ये फिंगर टिप से, और इसको आपने फेस वॉश कर लेना। उसके बाद आपकी स्किन जो बहुत स्मूथ होगी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आगे आओ ज़रा, ये मैंने दही लिया है। दही ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ताज़ा हो, एक दो दिन पुराना भी हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। और ये ठीक है, ठीक है। और ये बेसन है मेरे पास, और हल्दी है, और ये ड्राई मिल्क है। ठीक है, हल्दी एक पिंच लेनी है, आधा चम्मच बेसन है, और आधा ही चम्मच जो है वो ड्राई मिल्क है। ठीक है, ये दही है मेरे पास, ये मैंने एक चम्मच लिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसके अंदर। और इसको आपने ना अच्छे से मिक्स कर लेना। और अगर आपके पास वो है ना, क्या कहते हैं, रोज़ वाटर, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में रोज़ वाटर बहुत बेस्ट है। लेमन है, वो भी डाल सकते हैं। और क्या कहते हैं, क्योंकि लेमन जो है ना, एक्नी स्किन के लिए बेस्ट नहीं होता है, उससे आपकी एक्नी और ख़राब होती है, इसलिए मैं वो नहीं डाल रही हूँ। आप लोग अपने फेस के लिहाज से डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहते तो मत डालें। और एक और चीज़ है जो एलोवेरा जेल, वो भी बहुत बेस्ट है। अरके गुलाब, एलोवेरा जेल और लेमन, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहें, आप इसमें डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी ये थिकनेस देख लें, ठीक है, ज़्यादा रनी नहीं है। ये आपने फेस पैक बनाया है, ठीक है। और आपने सादा पानी से अपना फेस जो है वॉश करके आपने इसको लगा लेना है। ठीक है, और लगा के इसको 15 से 20 मिनट छोड़ देना। उसके बाद आपने हल्के हाथों से रब करना है, आप यकीन करें। उसके बाद आपकी स्किन ऐसे होती है, बहुत स्मूथ हो जाती है। और अगर पिंपल है, एक्नी है, जो भी है, ये उसके लिए उसे ये फटेगी नहीं आपकी, अगर फेस पे एक्नी है ना, फटेगी नहीं, क्योंकि आपने बहुत हल्के हाथों से रब करना है। इससे बेसन से आपकी एक्नी जो है ना, बहुत हद तक कम होगी। अच्छा, ऑयली स्किन के लिए जो है ना, न्यूट्रोजीना का फेस वॉश जो है वो बहुत बेस्ट है, यकीन करें। एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत बेस्ट है। न्यूट्रोजीना का, क्लीन एंड क्लियर का, और एक और कौन सा है, निविया का, इनके फेस वॉश बहुत बेस्ट हैं ऑयली स्किन के लिए। थोड़े से एक्सपेंसिव है लेकिन एक बार ख़रीद लेंगे आपके 3 महीने आराम से, एक बंदा इस्तेमाल करेगा ना, 2 से 3 महीने आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हर कोई ज़ाहिर है कि नहीं यूज़ कर सकता, तो उसके लिए ये जो है बेसन का और ड्राई मिल्क का और दही का, ये बहुत अच्छा है। और हल्दी जो है, आपको पता है कि ये हल्दी बहुत अच्छी है दानों वाली स्किन के लिए। ठीक है, हल्दी उपटन में भी इस्तेमाल होती है हमारे फेस के लिए, बहुत अच्छी है। आप लोग ये रेमेडी जो है, फेस पैक जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको घर से आराम से मिल सकती हैं। ठीक है, जिसको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से लूँगी इजाज़त, मेरी तरफ से आप लोगों का अल्लाह हाफिज़।